मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हेलो, कैसे हैं सब लोग? चलिए, सब लोग अच्छे हैं और अच्छा रहना जरूरी भी है। आज का वीडियो क्लास 12 के लिए है, एक्सरसाइज है 5.6 पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। एक्स का मान दिया है अंडर रूट ए का पावर साइन इनवर्स टी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। वाई का मान दिया है अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। टू प्रूव, साबित करना है कि dy बटा dx का वैल्यू माइनस में y बटा x होने वाला है। सिद्ध करना है कि dy बटा dx का वैल्यू माइनस में y बटा x होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। थोड़ा सा इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा और क्वेश्चन बहुत आसान रहने वाला है। तो समीकरण 1 में 2 से हम गुणा करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो एक्स में वाई से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स गुना वाई, और इन दोनों को गुना करेंगे तो एक ही रूट में लिख देते हैं, ए के पावर साइन इनवर्स टी गुना ए के पावर कॉस इनवर्स टी। अब यहां पे एक्स गुना वाई मैंने लिख दिया, जो कहते हो ए का पावर साइन इनवर्स टी है और ए का पावर कॉस इनवर्स टी है, अब बीच में गुना का संबंध है, तो गुना में जब बेस सेम होता है तब पावर जोड़ दिया जाता है। गुना में जब बेस सेम होता है ना तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग वही काम करें, ए का पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ये हो गया एक्स गुना वाई बराबर रूट के अंदर ए के पावर साइन इनवर्स टी जो कॉस इनवर्स टी, ये होता है पाई बटा 2। आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़ाया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। अब एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर तो चलिए हम लोग डी बटा डी एक्स करेंगे एक्स गुना वाई का, इधर डी बटा डी एक्स करेंगे रूट में ए के पावर पाई बटा 2 का। अब एक्स गुना वाई में क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन को लिखेंगे, है ना, सेकेंड फंक्शन को लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे और सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो वाई का, और ए के पावर पाई बटा 2 ये फुल्ली कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि डी सी बटा डी एक्स बराबर 0 पढ़ाया गया है। वाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एक्स गुना डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0, प्लस वाई उधर माइनस वाई, एक्स गुना डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ये प्लस वाई उधर माइनस वाई हो गया, इसीलिए डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई के ये बटा में चला जाएगा, क्योंकि यहां गुना में है तो उधर बटा में चला गया, हो गया प्रूव। यही ना रिजल्ट लाना था, डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस में वाई बटा एक्स लाना था, आ गया। तो ये सवाल खत्म हो गया इसी जगह। तो कल मकर संक्रांति है, अच्छे से मनाएं और पढ़ाई भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।